हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 2020 7:29 पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। बता रहे दोस्तों, धोनी ने आधिकारिक सोशल मीडिया के जरिए संन्यास की घोषणा की। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें बैकग्राउंड में मुकेश का गाना बज रहा है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। धोनी ने इस गाने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धोनी के संन्यास पर कुछ सितारों की बड़ी ही अहम रिएक्शन सामने आया है, बता दें जिसमें रणवीर भी शामिल है। रणवीर ने उनके लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने धोनी के साथ पहली मुलाकात की फोटो शेयर करके बताया कि यह तस्वीर 2007-2008 के दौरान की है। उस वक्त धोनी से मिलने के लिए उन्होंने बिना पैसे काम किया था। रणवीर ने लिखा कि उस वक्त मैं 22 साल का था और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। मैंने ये जॉब सिर्फ इसलिए की थी कि इस एड में महेंद्र सिंह धोनी थे। मैं उनसे मिलना चाहता था, मुझसे बहुत सारा काम करवाया गया और मुझे पैसे भी नहीं मिले, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरा सपना पूरा हो चुका था और मैं महेंद्र सिंह धोनी से मिला भी और उनके साथ तस्वीर भी ली थी। रणवीर ने आगे लिखा कि मुझे उस वक्त चोट भी लग गई थी, लेकिन मैं काम करता रहा। मैं जब धोनी से मिला तो शॉक्ड था क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। मुझे उस वक्त लगा कि मैं बादलों पर चल रहा हूँ, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे माही भाई। धोनी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच पिछले साल जुलाई में खेला था। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी और वो ही धोनी का आखिरी इंटरनेशनल मैच था। धोनी हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और कप्तानी भी करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, और आईपीएल के 13वें सीजन के लिए ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा भी लेने पहुंच गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन रणवीर सिंह की ये याद महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए काफ़ी खास है क्योंकि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रणवीर सिंह का लुक्स अलग ही है और तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी भी काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।